जिला पुलिस की एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने नशीले पदार्थों सहित पुराना बस स्टैंड के पास से एक मेडिकल स्टोर संचालक को किया गिरफ्तार। अवैध नशीली दवाइयां की बरामद। जिला पुलिस के एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने कुरुक्षेत्र के पुराना बस स्टैंड रोटरी चौक नज़दीक मेडिकल स्टोर के संचालक को अवैध रूप से नशीली दवाइयों सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जानकारी देते हुए एंटी नारकोटिक सेल के प्रभारी मनदीप सिंह ने बताया कि उनकी टीम को सूचना मिली थी कि झांसा रोड पर गुरु नानक मेडिकल स्टोर संचालक अवैध रूप से नशीली दवाइयां बेचने का काम करता है। पुलिस की टीम ने मौके पर जाकर मेडिकल स्टोर संचालक को काबू करके मेडिकल स्टोर की तलाशी लेने पर भारी मात्रा में नशीली दवाइयाँ बरामद की, जो सरकार द्वारा बैन की गई हैं। उन्होंने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार करके नशीली वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है, जिससे माननीय अदालत में पेश कर आगामी पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। ये हमारे पास एक मकबरी आई थी कि भाई झांसा रोड पे एक गुरु नानक मेडिकल स्टोर है और वहाँ गौरव का नाम का लड़का है, उसका मेडिकल स्टोर है। ये नशीली दवाइयाँ बेच रहा है, जो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड नहीं है। सार्वजनिक तौर पे मेडिकल स्टोरों पे बेचना अलाउड नहीं है। उनको नशीली दवाइयों को ये बेच रहा था, तो वहाँ मौके पे ड्रग इंस्पेक्टर रितु मेला जी को मौके पे बुलाया गया था, डीएसपी साहब को मौके पे बुलाया गया था और वहाँ इसकी स्कूटी से ये है सेल्सिडल टैबलेट है, जो 70 टैबलेट ये बरामद हुई है। और जी लोम टैबलेट है 750 टैबलेट ये बरामद हुई है। इसे लोमोटिल टैबलेट है 20 टैबलेट ये बरामद हुई है। और इनके अंदर जो साल्ट है और जिलोम टैबलेट में इटीजोल साल्ट है, लोमोटिल टैबलेट में डिफेनोक्सोलटीलेट साल्ट है और ये ट्रामाडोल है, जो ये अवैध रूप से नशे की तस्करी कर रहा था, नशीली दवाइयों को बेच रहा था। इसको हमने वहाँ रंगे हाथों मौके पर पकड़ा है। सही है, जो अवैध मेडिसिन नशे में प्रयोग होती है, नशे में प्रयोग होती मेडिसिन जो पकड़ी जी, ये NDPS एक्ट की 22 धारा के अंतर्गत आता है, NDPS एक्ट में आता है। ये अलाउड नहीं है ऐसे मेडिकल स्टोरों पर सरेआम बेचना। कितने आरोपी इसमें, ये मेडिकल स्टोर वाला जो बेच रहा था ये आरोपी अरेस्ट किया है, बाकी अभी इसकी जांच जारी है। पुलिस रिमांड, कोर्ट से पुलिस रिमांड लिया जाएगा इसका, और जहाँ जहाँ इसके तार है, जहाँ से ये लेके आता था वहाँ तक पुलिस छानबीन करेगी पूरी। थैंक यू।